نسأل الله على رسوله الكريم اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي يهرد المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان منكم مئة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم دافع

मरला है जैसे हम तंजीम साजी का मरला कहते हैं उसके अंदर चार फिर डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनका हमने जिक्र किया था और ये थ्री स्टेप्स हैं कोई भी दावत आज इस मकसद के लिए खड़ी हो किसी भी मकसद के लिए खड़ी होती है जो एक तब्दीली लेके आना चाहती है तो उसको इसी प्रोसेस से गुजरना होगा इन्ही मरहल से गुजरना होगा मैंने बताया था कॉम्युनिस्ट भी खड़े होते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर लिबरल कैपिटलिस्टिक ऑर्डर मौजूद है उनको अपने नदियात जो है उनकी तब्लीग करनी होगी फिर लोग जो उनसे मुतफ़ होंगे उनको मुनजम करना होगा तंजीम की शक्ल में और फिर उसके बाद जो लोग भी आएंगे उनके साथ उनको ट्रेन करना होगा ताकि वो भी इफेक्टिविस्ट एक्टिविस्ट बन सकें ये काम जारी रहेगा जब तक उनके पास इतने वसायल नहीं आ जाते कि वो अगले मरहल की तरफ जाए तो ये मामला जो है आप की आपकीगल में भी हमको नजर आता है और हमें भी ऐसे ही करना है कि जब तक आपके पास वसायल नहीं आ जाते अगले मरहल की तरफ ही जाएंगे अगला अगले जो मरहल वो है इकदाम और तसादुम ठीक है आपने इनिशियटिव लेना है जो भी रजीम है उसके खिलाफ और उसके में पाता है कि होगा तो इस वाले से हम कुछ बातें तो पहले बयान कर चुके हैं और वह उनका आदा करेंगे एक बीच में स्टेज जो थी हिजरत की स्टेज है जिसका हमने पहले कर लिया है कि जब किसी जगह पे आप दावत पेश करते हैं और आपको कामयाबी नहीं होती बल्कि ये मामला होता है कि आपकी जान के दर पर वो हो जाती है रजीम तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप वहां से हिजरत करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको अमन नसीब हो दो जगह पे हजत हो सकती है या तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको अमन मिल जाए जैसे कि शहा कर थे रजी अल्लाह मजबाइन ने हबशा की तरफ हिजत की वहाँ पे एक अमन की जगह उनको मिल गई थी या फिर ये है कि दारुल दारु इस्लाम हो जा सके मदीने के अंदर जो है दार्स्लाम क़ाय और वहाँ हिजरत करने का फिर हुक्म हुआ था तो दोनों सूरतों में से कोई भी अवेलेबल होगी तो वहाँ पर हिजतर होगी और ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर जैसे कि गुरब के आमद से निशानियाँ हैं उनमें जिक्र आता है कि जब कोई जगह नहीं बचेगी तो फिर मोमिन जो है वो पहाड़ों की तरफ जो हिजरत करेंगे लेकिन ये उन एक्सट्रीम कंडीशन में है जब आपके जान के लाले पड़ जाए ये नहीं कि क्या छोटी मोटी मुसीबत आई और उसी पर इंसान जो है वो कर जाए ये मामला नहीं है हिजरत का हिजरत एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है ये कोई जो है वो आ, एस्केप नहीं है तो ये इस बात को जहर रखना चाहिए अब उसके बाद अब इकदाम और तसादुम के मराहल हैं तो इस वाले से तो हमने जो डिस्कशन करनी काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है और इसमें एक तो रसूल हम पहले बयान कर चुके हैं कि अल्लाह तला ने वे कर दिया था कि अगर पहले जो थे मुसलमान जब पूरी तरीके से ईमान पर थे और डट जाने वाले थे तो दस गुना पे गालिब आ सकते थे और ये ये मौजूद थी लेकिन बाद में अल्लाह तारा ने खुद देख लिया कि मुसलमानों के अंदर जो है कुछ कमी आ गई है जज्बे में कमी आ गई है उनके अंदर उनके अंदर कुछ जो है वो खोट आ गया है तो इस वजह इस वजह से अल्लाह तला ने फिर जो है इसको कम कर दिया यानी इसमें फिर ये वाजे कर दिया कि अगर तो अगर तो वो जो है सौ हैं तो फिर दो सौ पगाले पा जाएंगे रेशो टू का मामला खो जाए हज़ार हैं तो दो हजार पग लेंगे पहले जो बीस हैं तो फिर दो सौ पगाले पा जाएंगे तो ये असूल जो है अल्लाह ताला ने हमें वादे कर दिया और इस पे फिर इबन अब्बास की वो मशहूर हदीस भी है सही बुखारी में जो उसकी तशरी करती है अगर में से बीस आदमी भी सफर करने वाले होंगे तो वो दो सौ पर गालिब आ जाएंगे तो मुसलमानों पर सख्त गुजरा क्योंकि इस आयत में इन पर यह फ़र्ज करा दे दिया गया था कि एक मुसलमान दस काफरों के मुकाबले में ना भागे इसलिए उसके बाद तकलीफ की गई और अल्लाह तौला ने फरमाया कि अब अल्लाह ने तुमसे तकलीफ कर दी और मालूम कर लिया की तुम्हें जोश की कमी है सो तो अब अगर तुम्हें सफर करने वाले होंगे तो वो दो सौ पर गालिब आ जाएंगे ठीक है सौ सफर करने वाले हैं तो दो सौ प्र गालिब आ जाएंगे और इतने अबासुदी फरमाते हैं उनका अपना मुशाह था उस जमाने में कि तादाद की इस कमी से इतनी ही मुसलमानों के सबर में भी कमी वाकई होगी तो एक तो ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसको हमें मद्देनजर रखना है कि एक दाम के मराहल में जब हम जाएंगे तो वहां पे वसाइल का होना जरूरी है और वहां पर कुछ रेशियो प्रोपोर्शन भी है जो के जिसका हुआ है अब जो मामला है इसके हवाले से और भी मुकाम पे हमारे सामने खुलता है तो जैसा आता है के पीछे से बछड़ा बना लिया था बछड़े को खुदा बना लिया था बनी साइल ने तो फिर वापस आके मूसा इस्लाम हरून के पे जो है हुए थे कि तुमने क्यों नहीं रोका तो उस पर उन्होंने जो है अपनी एक अपना एक उजर पेश किया था वो ये था के, आ, 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 मेरे माँ जाए मुझे इस तरीके से दाढ़ी से ना पकड़िए ना पिछाने के बालों से पकड़िए मुझे खदशा था इनकी खशी थी फरक्त बनी के आप ये कहें कि मैंने जो है बनी साइल में तफरका डाल दिया ठीक है तो आ, ये इस वजह से जो है मैंने एक काम नहीं किया यानी उन्होंने असेसमेंट की सिचुएशन और उनको नजर आया कि अगर मैं इस वक्त रोकने की कोशिश करूंगा तो फिर बड़ा फितना आ सकता है बड़ा फितना क्या आ सकता है कि अगर ये अपनी कोशिश करते हो सकता है कि ये इनको जान से मार दिया जाता है। और जब जान से मार दिया जाता तो बहुत बड़ी खून रेजी हो जाती है आपस में तो यानी उन्होंने अपने एक उदर पेश किया कि मुझे मेरे सामने मुनकर जरूर था मैं उस हाथ से नहीं रोक सकता था मुझे नजर आ रहा था कि बड़ा जो है मुनकर आ जाएगा तो उस पर फिर मूसा इस्लाम ने उनको छोड़ दिया था तो इससे फिर बहुत से मुफसरी ने फिर इस बात इस मसले को वाजह किया है जब मु, नहीं ने मुनकर जो है, उसी वक्त कर, किया जाएगा जब आपके पास मुमकिन जो, जो वसाइल हैं वो मौजूद हों और आपको पता हो गालिब गुमान अच्छा। हो कि आप की इस के नतीजे में आ, जो है बड़ा मुनकर नहीं आएगा तो इस वजह से अः जो अपने कई तो अपनी मशहूर जो उनकी किताब है अलामकिन उसमें फरमाते हैं कि इनकार, मुल्क के चार दर्जात हैं पहला दर्जा वो है कि जिससे मुनक खत्म हो जाए और उसकी जगह मारूफ कायम हो जाए यानी आपके इतने वसायल हैं कि आप मुनकर को दबा सकते हैं और मरूफ क़ायम कर सकते हैं दूसरा दर्जा यह है कि मुनकर कम हो जाए अच्छा मुकम्मल खत्म ना हो यानी आप मरूफ को तो नहीं लेके आ सकते मुनकर को रिप्लेस नहीं कर सकते लेकिन मुनकर को दबा जरूर सकते हैं तीसरा दर्जा यह है कि वो मुनकर तो खत्म हो जाए लेकिन उसकी जगह एक वैसे ही मुनकर और आ जाए उसी तरह का मुनकर जो है आ जाए और चौथा दर्जा यह है कि इस मुल्के के खत्मे के बाद इससे भी बड़ा और बदतरीन मुनकर आ जाए यानी चौथी कंडीशन ये भी है कि आपको नजर आ रहा है कि अगर आप नहीं तो मुनकर बिल्ज करने जाएंगे तो बड़ा मुनकर आ जाएगा तो फिर मतलब ऐसी सिचुएशन तो चार डिफरेंट स्नैरियो बनते हैं तो उन्होंने समाया कि पहले दो दर्जे मशहूर हैं यानी जबकि तीसरा दर्जा इश्तेद का मैदान है पहले दो दो दर्जे तो मशहूर है यानी आपको करना है शरीर के अंदर के मुताबिक आपको लाजमी करना है पहले दो पहली दो सूरतों में लेकिन बाद की जो दो सूरते हैं उनमें अख्तलाफा हैं जैसे तीसरा जो दर्जा है उसका इश्तहाद करना होगा उसमें गलती भी हो सकती है लेकिन चौथा दर्जा तो हराम है कि अगर आपको नजर आ रहा है कि आप मुनकर को दबाने जाएंगे तो बड़ा मुनकर आ जाएगा तो फिर ऐसी सूरत में नहीं मुनकर बिलजल करना हराम है तो यानी देखें ये अंडरस्टैंडिंग अब जो स्कॉलर्स की है उलमा की है वो किसी वजह से है तो इसलिए इस बात को हमें अब अपने जहन में रखना होगा कि वसायल का होना जरूरी है इसबाब का होना जरूरी है बगैर इसबाब के सिर्फ अल्लाह तो है हम टक्कर नहीं रह सकते और ये चीज़ आपकी सीरे से भी साबित है जिसका जिक्र मैंने लास्ट टाइम किया था किसब एज़ाब के मौके पर वसल्लम ने हर मुमकिन कोशिश की कि आप कंफर्टेशन को अवॉइड करें हालांकि आपलम जो थे उनसे बड़ा किसी का मुकाम नहीं हो सकता इंसानियत में और आपके साथ जो असाब मौजूद थे रजवान उन्होंने फिश्तों की मदद को अपनी आंखों से देखा था

और इसमें फिर जो है बकायदा इंस्ट्रक्शन है कि तुमने जो है वो खड़ा होना है कि तुम इन्होंने बिल्ला वसूली ही वो तो अल्लाह खैरमाते हैं कि तुम मोमिन जो है वो तो वही हैं कि जो ईमान लाते हैं ला उसके असूब पर जहाद करते हैं के रास्ते में अपने मारो और अपने जानों से ये तुम्हारे लिए बेहतर है आते हैं कि तुम समझो यकफिल जन्नातिन तजरी बात हम पहले तफी से बयान कर चुके हैं दुनिया दुनियावी फतह जो है वो अलग तला चाहेगा तो वो भी मिल जाएगी लेकिन यह एक असल चीज जो है वो तो उखर भी फलाह है और जो कि मिल जाए तो, तो, तो उससे बड़ी और कोई नियमत उससे बड़े और कोई सादत नहीं हो सकती तो इसे यही बात यहाँ पे वादे कर दी गई कि यकिल तुम्हें तुम ऐसा कर करोगे तो तुम्हारे तमाम गुना बख्ते अब जन्नात इन तजरी में था तिरहार और ऐसे बागात में तुम्हें लिख जाएगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं वह मथा की ना तो बतनफी जन्नात यादन और ऐसे पाक मकाना जिनके जो अदन के बाग़ में है जारीम ये बहुत असीम कामयाबी है वो खरा तो हिब्बू नहा और तुम्हें ज्यादा महबूब है नसर उ फतुन करीब अल्लाह तला की मदद और जो है करीब की फतः तो बस वो भी तुम्हें जल्दी मिल जाएगी बस शेर मुशारत है अच्छा अब यहाँ पे जो है एक कुछ और चीजें भी हमारे सामने रहनी चाहिए जब हम एक दाम के मरल की बात करते हैं कि जो कि इन हालात में जैसे हम पहले भी बात बा, बा, बात कर चुके हैं कि बीसवीं सदी में खास तौर तो पर एक ऐसे कुछ हालात तब्दीले हो गए की जिसकी वजह से अब किताल जो है जैसा कि पहले हुआ करता था वो फीजबल नहीं था तो कुछ कंडीशन है जिनको हमें मद्देनजर रखना होगा जैसे दोनों तरफ हम देखते हैं तलवारें और घोड़े थे पहले फर्क सिर्फ तादाद का होता था अब यह है कि एक हैदी रियाते हैं उनके पास जदीद असला है हैं टाइम वगैरह और उस तरफ नवा है उनके पास अगर ले दे के अगर आ भी सकती है तो ए के फोर्टी सेवन आ सकती है और बस और कुछ नहीं है तो एक तरफ यहाँ पे दूसरा ये भी मसला है कि वहां पे कुफार के साथ मुकाबला था यहाँ पे बारह कलमा को मुसलमान है और उसमें मुसलमानों का जो है मुसलमानों की जान माल इज्जत बारल वो खतरे में पड़ने का ज्यादा इमकान है तीसरा मामला यह है कि मसल मुसल करने के लिए पचास फीसद वसाइल जो है इकट्ठा करना उस वक्त कदरे आसान था यानी आपके पास अगर दुश्मन की फौज जो है एक लाख है तो आप पचास हजार अवाम को खड़ा कर सकते हैं कर सकते थे पहले मुमकिन था आपके लिए क्योंकि मैच आपको सिर्फ नंबर ही कर रहे थे या फिर कुछ वेपन कर रहे थे वही तलवारें नेजे घोड़े वगैरह थे लेकिन यहाँ पे मसला यह है कि आप फिफ्टी परसेंट वसाइल आप कर ही नहीं कर ही नहीं सकते नामुमकिन है तो ये चीज़ें हैं जिनको आ, हमें मद्देनजर रखना होगा मुसलमान जान की हरमत काबे से बढ़कर है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है तो नाहक खूब खुँ, खून बहने का खदशा है और इसको कम से कम हम जो है हमने कोलेट्रल डैमेज को यकीनी बनाना है तो ये सब अगर इन सब हक को मद्देनजर रखा जाए तो जो मुसलमान इलाके हैं जहाँ पे फॉरन ऑक्यूपेशन नहीं है कुफार आके नहीं बैठ गए और ऊपर जो है हुकूमतें हैं वो, है, वो मुसलमानों की हैं लेकिन यह है कि वो फासिकान है और कुफर बवा कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में बहर फिर हमें अब रीथिंक करनी होगी हमें अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक करना होगा और तो ये हमने देख लिया चौबीस सदरी तक जो है मैदान जंग का जो के जो असूल थे वो एक ही थे ठीक है उसमें कोई ज्यादा फर्क था ही नहीं फोर्टीन सेंचुरी तक ही फोर्टीथ सेंचुरी तक तो बिल्कुल ही तब्दीली नहीं हुई थी यानी वही तलवारें तलवार थे जो शुरू से चले आ रहे हैं आहनी हथियारों तलवार तीर मैदान जंग सस्ता था दोनों फोर्ज़े आमने-सामने आती थी और फिर जिसने मैदान मार लिया उसने मार लिया लेकिन बाद में देखते हैं सदी में, है में तब्दीली रुनमा हुई थी कि उसकी जगह पे अब आहनी हथियारों की जगह पे अब वेपन आ गए थे जो असला आ गए जो कि बरूद वाला असला था गन्स आ गए थे बाकी लेकिन असूल वही था मैदानी जंग सस्ता था और वहीं पे जो है फैसला होता था इवन के 20th तक भी यही कि मैदान जंग में जो है फौजें उतरती थी जिसने मैदान मार लिया उसने मैदान मार लिया फर्क सिर्फ ये वाक्य हो गया था सेंचुरी के बाद कि आप उसमें सिर्फ <coughs> तलवारें नजर नहीं थे बल्कि अब बारूद का इस्तेमाल भी हो रहा था अच्छा तो अब सिचुएशन यह है कि जंग, जंग के सारे असूली चेंज हो चुके हैं मिड ट्वेंटियनवर्ड हम देखते हैं कि अब तो दो बड़ी ताकतों के दरमियान जो जंग है उसके असूल वो नहीं है जो के पहले हुआ करते थे अब बताने जा सचता ही नहीं अब कोल्ड वार चलती है ठीक है आप देख रहे हैं बड़ी ताकतों के दरमियान कोल्ड वार चलती रही अभी भी चल रही है लेकिन कोई मैदानी जंग नहीं है इस तरीके से और बड़े तरीके हैं उसको ट्रॉफसी के जरिए से वार होती है फिर उसके अलावा ट्रेड वॉर है जो है डिप्लोमेटिक वॉरफेयर है तो ये वॉर तो इसको इसको हम अपने सामने रखेंगे तभी बात को हम समझ सकेंगे तो कॉम्फ्लिट दो करना है किताल दो करना ही करना है हुक्म तो किताल का ही है लेकिन ये कि आज के दौर का अब आप आपको देखना है ना कि किस तरीके से वॉर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है तो अब यहाँ पर जो है ये एक बहुत बड़ा जो है मामला हमारे सामने आ चुका है एक तब्दीली हो चुकी है इस वाले से देखा जाए तो फिर हमें अब ये देखना है कि अल्टरनेट क्या है मतलब तो हमारे पास अल्टरनेट्स जो हैं वो क्या हैं जो इंसानियत ने सीखे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो हमने देखा कि जब ये दूर दूर जंग का जो मामला था या कन्वेंशनल वॉरफेयर का जो रास्ता था जब वो नाकाम हो गया या उससे फायदा नहीं हो सकता था तो फिर इंसान की सस्त में कॉन्फ्लिक्ट करना तो है तो जब तक की क्या काय नहीं होगी इंसान कॉन्फ्लिक्ट करता रहेगा हाँ बस तरीके चेंज होते रहेंगे तो उसमें एक बहुत इफेक्टिव तरीका जो है हमारे सामने आता है वो घुरला जंग का तरीका आता है और इसका इसके पीछे जो पूरी लॉजिक है वो यही है कि जैसे कि वो जो है ना मुला उमर के एक साथी ने कहा था अमेरिकन जो सेनेटर था उसको के के दे हैव हैव ऑल ऑल द द वेपन्स वी टाइम ठीक है तो यानी बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है, जो मिलिट्री है दीदी रियातों के पास है ये है तो बहुत डेवेस्टेटिंग लेकिन इसकी जो डिप्लॉयमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा तो ये एक वीक पॉइंट था जिससे एनालाइज कर दिया गया और उसके बाद फिर जो है इसी को जिसे कहते हैं ना कि टारगेट किया गया इस टैक्टिक के अंदर कि इसकी इसकी डिप्लॉयमेंट कॉस्ट क्योंकि बहुत ज्यादा है ये डेवेस्टिंग बहुत है आप डिप्लॉय करेंगे फौरन जो है ये अपना काम करके अगली जो अपना अपोनर है उसको उड़ा देता है लेकिन ज्यादा देर तक इसको रहना पड़ जाए उस आर्सनर को तो फिर जो पीछे इसकी हुकूमत होती है उसकी इकोनॉमी ब्रीड करना शुरू कर देती है उसकी इकोनॉमी जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है इसलिए ज्यादा देर तक ये अपनी फौज वहां पर रख नहीं सकती वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसलिए उसको वापस बनाना पड़ता है तो इसलिए टैक्टिक्स जो है वो समझी गई है उसके पीछे बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं यानी गुरील वॉरफेयर कोई ऐसा नहीं है बस आपने बंदूक पकड़ी शुरू हो जाए प्रैक्टिकल गुरिल वॉरफेयर से तब्दीली आती है और वो एक पूरी साइंस है उसके पीछे ठीक है उसके पीछे शे वगैरह ने भी किताब लिखी ऑन ऑन वॉरफेयर

एक बात की जाती है बस सामने एक फोटो सामने लेके और जनाब दुश्मन के नाकू चने चपा देने ऐसा नहीं होता बड़ी टैक्टिक्स होती है इसमें टेक्टिका इस एक टैक्टिक का तरीका एक टैक्टिकल वफ़े का तरीका जो है सामने आया सबसे पहले जो खैरस की इजाद तो पता नहीं कब हुई थी लेकिन वियतनाम में भी इसको, इसको इस्तेमाल किया गया इफेक्टिवली तालिबान ने इसको इफेक्टिवली इस्तेमाल किया शेख शेखेरा ने इसको, इसको इस्तेमाल किया मौजतुन ने इसको इस्तेमाल किया तो यानी एक प्रूवन मैथड रहा है लेकिन यह हुआ कि जब ट्वेंटी सेंचुरी के एंड की तरफ हम गए तो वहाँ पर फिर जो मिलिट्री आसन था वो मजीद जो है वो एडवांस्ड हो गया तो अब गुरिला जंग भी जो है उन इलाकों में कारामद नहीं रही कि जहाँ पर स्टेट्स जो है वो स्ट्रॉग मौजूद थी मौजूद थी और या तो, तो फिर यह टेरेन साथ ही देता लिए टेरेन का साथ देना भी बड़ा जरूरी है सहरा सहरा है अगर या फिर पहाड़ी इलाके हैं या जंगलात हैं जहाँ पर जो है वो जो छापामार कार्रवाइया करने वाले मुजाहिदीन हैं वो चुप सकते हैं तो वो ज्यादा जो है ना इफेक्टिव होता है वहाँ पर Uh, क्योंकि अगर ये uh, ऐसा नहीं होगा कोई ट्रेन ऐसा साथ नहीं होगा तो फिर ये जो आवाम में जाएंगे जब डिस्पर्स होंगे मुजाहिदीन तो फिर वहीं पर हमले होते हैं फिर बड़े लोग बड़ी जाने जा, जा, जा होती हैं और इससे फिर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह तो किया जाता है तो ये भी इसके फिर ड्रॉबैक्स में से है लेकिन बाद ऐसे इलाके हैं दुनिया में जहां पर इसके अलावा और कोई फिजिबल है भी नहीं रास्ता जहां पे फॉरन ऑक्यूपेशन हो चुकी है जरा बात है वहां पे अब यही वायज रास्ता है अगर वो लोग आज़ादी हासिल करना चाहते हैं तो उनको इसी पाथ को अपनाना है और कोई पाथ उनके पास नहीं तो ये एक टेक्टिक है टैक्टिकल वॉरफेयर का तरीका हमारे सामने आया और उसको फिर अडॉप्ट किया गया और मुसलमानों ने भी उसको सक्सेसफुली सक्सेसफुली जो है अडॉप्ट किया इसी तरीके से फिर जब हम देखते हैं कि सेंचुरी के एंड में गुरिल्ला वॉरफेयर जो है वो इफेक्टिव नहीं रहा तो फिर इंसानियत ने फिर एक और तरीका जो है टेक्टिकल वॉरफेयर का सीखा वो था सिविल मजात सिविल रेजिस्टेंस इसका जो मौजूद है वो आ, गांधी है ठीक है उसने इसको इस तरीके पहले पेश किया बाद में फिर जो है मुख्त लोगों ने अपने मुख्तिक कामों के लिए इस्तेमाल किया मार्टिन लूदर जो थे उन्होंने इनको ब्लैक मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया और सक्सेसफुल रहे ईरानियंस ने इन, इसी मेथड को फिर इंकलाब के लिए इस्तेमाल किया जहाँ पे वो इस्लामी नाइन में बाद में फिर जो है हम देखते हैं कि जो कलर्ड रेवोल्यूशन आई हैं जॉर्जिया सर्बिया पोलैंड यहाँ पे इन इलाकों में टू थाउजेंड के अंदर वो इन्हीं जो है ना ईरानियन रेवल्यूशन से इंस्पायर होकर फिर उन्होंने को इस्तेमाल किया और कामयाब रहे और उसके बाद से अब तक हम देखते हैं कि सैकड़ों ऐसी मूवमेंट्स हैं कोई राइट्स की मूवमेंट्स हैं कोई जो है वो अपने हक के लिए लड़ने वाली कोई स्ट्रगल है या दीगर मूवमेंट्स हैं इस वाले से चलती रही हैं और वो सक्सेसफुली इस टैक्टिक को इस्तेमाल करती रही हैं और जैसे गुजरात वॉरफेयर जो है एक प्रॉपर टैक्टिकल वॉरफेयर का तरीका है इसी तरीके से अब ये भी एक टैक्टिकल वॉरफेयर का तरीका बन गया है और इस पर बेशुमार अब मटेरियल अवेलेबल है तो इसको बहर अब हमारे सामने अगर देखें तो उन इलाकों पे जहाँ पे मुसलमान हैं अक्सरियत है, है तो हाकिम भी मुसलमान हैं लेकिन यह कि फासिक हैं तो काफू बाफर कर रहे हैं तो उन जगहों पे फिर जहाँ पे स्ट्रॉग स्टेट्स मौजूद हैं टेन साथ देने वाला नहीं है तो फिर बेस्ट पॉसिबल वे जो हमें नजर आता है वो सिविल मुजाहमत का ही है जहाँ पे फॉरन ऑक्यूपेशन हो चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे तबाह हो चुका है इंस्टीट्यूशन वीक हैं वहां पे फिर गुजरात और फिर का ही तरीका जो है हमारे सामने इस वक्त अवेलेबल है अवेलेबल ये है हम ये नहीं कह रहे कि और कोई अवेलेबल नहीं होगा हो सकता है कि इंसानियत जो है आगे जाकर बुनिया तरीका जो है वो वो इजाद कर ले तो इस वाले से हाँ कुछ जैसे डिस्कशन सामने आ रही है कि एक जमाने में ये कहा जाता था कि सिविल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स ये दो डिफरेंट तरीके हैं लेकिन आ, इंडिया के अंदर जो आम आदमी पार्टी के जो हेड है अरविंद केजरीवाल उसने इन दोनों मेथडोलॉजी को जमा किया इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स कंटेंशियस पॉलिटिक्स इन दोनों को जमा करके एक मैथड जो है वो उसको इस्तेमाल किया सक्सेसफुली और वो कामयाब रहा उसको भी स्टडी करने की जरूरत है और भी कई तरीके बातें हो सकते हैं कि फर्क के साथ साथ सामने आते रहें हम हमने ये काम भी ही करना है जैसे कि आप आपसे हिकमत माया की गुमशुदा मीरा से जहां से भी उसको नजर आया उसको उसको लेना है तो ये सिचुएशन है इस वक्त जो है मिड ट्वेंटी सेंचुरी के बाद का जो जमाना है उसकी और अभी तक वही सिलसिला जारी है तो अः बार ये बात हमारे सामने जरूर रहनी चाहिए ये जो फर्क है

मशहूर किताब है उसको भी पढ़, पढ़ वो पढ़ने वाली किताब है तो और उसके बाद फिर उसके कई शागि लिखी हैं तो वो ये कहता है कि नॉन वायलेंसम तशद या पैसिविज्म अमन पसंदी कि बस जी हम अ, अमन पसंद है हमने कुछ भी नहीं करना ये ये सिविल नहीं है फिर वो कहते हैं कि ये मुसालियत की कोशिश नहीं है ये को, कोई अमन साजी पीस बिल्डिंग मैर नहीं है ये कोई जो है अचानक लोगों का इज्तम हो जाना या जो है एहत कर लेना ये सिर्फ सिविल सिविलस नहीं है या फिर सिर्फ मुजाहरे है हड़तालें सिविल सिविलस नहीं है पहिया जाम कर देना ये सिविल सिविलस नहीं है बल्कि सिविल क्या है अब वो डिफाइन करता है देखिए सिविलस कैसे डिफाइन करता है वो कहता है कि सिविल सिविल्स इज फॉट बाय साइकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वेपन अप्लाइड बाई द पॉपुलेशन and the institutions of the society तो ये है असल में civilisation के यहाँ पे weapons इस्तेमाल होंगे लेकिन weapons की नोई डिफरेंट है यहाँ पे साइकोलॉजिकल weapons हैं, सोशल weapons हैं, इकोनॉमिक हैं, political weapons हैं और ये आवाम के जरिए से इस्तेमाल होंगे और सोशल uh, institutions के जरिए से इस्तेमाल होंगे तो ये इसकी डेफिनेशन वो करता है ziggy के जो शागिर्द हैं उन्होंने फिर जो analysis किया है मशहूर खातून है तरीका शीनोवेट वो उन्होंने एक एनालिसिस किया कि पिछले सौ सालों के अंदर जितनी भी मूवमेंटीन 1900 से लेकर 2006 तक जितनी भी मूवमेंट्स जो हैं बर्पा हुई चेंज के लिए रेवोल्यूशन के लिए चाहे वो नॉन पॉयेंट थी या पॉयेंट थी उनका एक एनालिसिस किया और ये एम्पेरिकल डाटा है जिसको उन्होंने एनालिसिस किया और फिर वाजे किया कि हम देखते हैं कि जो सक्सेसफुल मूवमेंट्स रही ज्यादातर वो नॉन वायलेंट मूवमेंट्स ही नहीं इन लास्ट हंड्रेड इयर्स में ज्यादातर वही कामयाब रही जो थी वो नाकाम ज्यादा कामयाब हुई इन द लास्ट हंड्रेड सो तो ये भी एक अहम किताब है पढ़ने वाली है और उसको सारा डाटा हमारे सामने मौजूद है तो बेसिकली uh, जो पूरी थ्योरी वो बयान करते हैं वो क्या कहते

कि लोग तो हाँ ठीक है वो बे करते हैं लेकिन क्यों उबे करते हैं इसको नाराज़ किया है पूरी तफी से वादे किया है कि बड़े उसके जो है ठीक है किसी भी की सबसे बड़ी खासियत जिसके बगैर वो वजूद बरकरार नहीं रख सकती अवाम की अतात होती जो की है सियासी कुत का मरकज दरअसल आवाम की अतात हैत करेंगे तो हुत नहीं वो पावर ही नहीं होगी तो सिर्फ माहमत की सारी हमत इसी अहम असूल पर खड़ी है ठीक है तो अब इसमें यह समझा जाता है कि लोग हुक्मरानों हम गानों क्यों करते हैं इसको एक्सप्लोर किया जाता है और फिर एक एक करके उन सब वजूहत को खत्म करने को की कोशिश की जाती है यानी ओबीडियंस के जो काजेस है ना उनको खत्म कर दिया जाता है तो फिर वो ओबीडियंस खत्म हो जाती है जैसे ओबीडियंस खत्म हो जाती है तो फिर यह है कि अबीम अपनी पावर लूज कर जाती है तो ये एक बेसिक फिलोसॉफिकल इसकी जो डिस्कशन अगर हम करेंगे तो ये उसकी बेसिक जो है ना अंडरस्टैंडिंग है अब

वो छह सोर्सेज ऑफ पावर है उसकी किसी भी रिजीम की सबसे पहले मॉरल अथॉरिटी यानी कोई भी रिजीम जो है वो चाहे कितनी करप्ट क्यों ना हो कितनी ही जालिम क्यों ना हो अपनी एक जरूर जो है वो सेल्स पिच रखती है कि वो कुछ अपने आप जस्टिफाई जरूर करती है कि भाई क्यों मुझे हाकिम रहना चाहिए जिसे मॉरल अथॉरिटी कहते हैं असल में पहले मॉरल अथॉरिटी ही आपको टारगेट करती है मॉरल अथॉरिटी गिरेगी तो फिर एक्चुअल अथॉरिटी भी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है सबसे पहले है मॉरल अथॉरिटी किसी भी रजीम की उसको आपको हिट करना होता है फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं यानी उस अथॉरिटी को कायम रखने के लिए कुछ नफरी होती है नीचे जैसे फौज है 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 पुलिस इस तरह की जो है, उनकी नफरी होती है कि जो ओबे कर रहे होते हैं अगर वो ओबे करना छोड़ दें पुलिस ओबे करना छोड़ दे फौज ओबे करना छोड़ दे या और दीगर इदारे ओबे करना छोड़ दें तो फिर पावर नहीं रहती रजीम के पास लेकिन वो ओबे कर रहे होते हैं तो पहले आपको उनके ओबीडियंस पैटर्न को चेंज करना होता है फिर स्किल्स एंड नॉलेज हर रजीम के पास कोई ऐसा ऐसी नो हाउ होती है कोई ऐसा स्किल्स होते हैं कि वो द नो हाउ टू रन द सिस्टम ठीक है तो वो uh, जो स्किलफुल लोग होते हैं उनको अगर आप कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं अगर वो इस रजीम के साथ नहीं देते तो फिर यह है कि यह रजीम वीक हो जाती है फिर हर रजीम के हर जो रजीम होती है उसके पास कुछ मटीरियल रिसोर्स होते हैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं कुछ ऐसे इदारे होते हैं कि जो uh, जिसके अंदर फिर उनकी असल जान होती है तो आपने उनको टारगेट करना होता है फिर बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि सेंक्शन फियर फियर ऑफ पनिशमेंट ये हर जीम के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है ठंडा ठीक है उसकी बेस पे जो है वो लोगों को जो है नीचे दबा के रखा होता है तो अब उसको कैसे कम करना है आपने इस फियर को कैसे खत्म करना है इसके भी बड़े तरीके हैं फिर कुछ कई इंटेलिबल फैक्टर्स होते हैं ऐसे फैक्टर्स जो आप मैं तो नहीं कर सकते लेकिन उनका इम्पेक्ट होता है कोई ऐसे नजियात होते हैं आइडियोलॉजीज होती हैं ऐसे सोच के जावी होते हैं जिसकी वजह से जो है लोग खड़ा होना नहीं चाहते या लोग खड़ा होने से घबराते हैं या पीछे रहते हैं तो ये सारे जो है ना वो सारी सोर्सेज ऑफ पावर होती हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई करना है और फिर एक, एक एक करके अटैक करना है उसके ऊपर और एक एक करके जब अटैक करेंगे तो पावर जो है चलना शुरू हो जाएगी अगेन मैं बड़ा एक बर्ड व्यू आपको दे रहा हूँ असल में तो इसमें बहुत कुछ है जो डिस्कस करने वाला है इंशाल्लाह वो हम Uh, जब, uh, इस सेशन के फिर, तो तो फिर मौजूद तो 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 नहीं है ना कि एक फिर उसके दरवाजों को आपने हरा दिया तो वो रजीम बट जाएगी यहाँ पे तो फिर जो है डिवाइडेड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कहता है पहचानना है इसमें हम देखते हैं उसमें फिर मिलिट्री है फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज रिजन मौलवी तबका है फिर एजुकेशनल सिस्टम है फिर मीडिया है फिर जो है कमर्शल इंस्टीट्यूशन हैं ये सब पिलर्स होते हैं ठीक है कि जो बेसिकली उस रजीम को सपोर्ट किए होते हैं नहीं अब ये फिरत जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन तमाम डिपार्टमेंट्स में सबसे बड़ी आप कह रहे हैं ठीक है बड़ा हिस्सा हमारे आ, हमारी सोसाइटी में फौज के पास है मान लीजिए लेकिन फौज के पास तमाम पावर नहीं

सबसे इम्पॉर्टेंट uh, टूल्स दो हैं विजन ऑफ टुमारो आपका बहुत टूल है जिससे आप कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं कि आप कौन सी तब्दीली लेके आना चाहते हैं उसके बाद फिर दूसरा बड़ा टूल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए कि आप कैसे अपने विजन ऑफ टुमारो को कम्युनिकेट करते हैं सोसाइटी के सामने फिर ये जब से आप कर लेते हैं उसमें बहुत सी टेक्टिक्स हैं फिर जो इस स्टेज के तहत आती हैं फिर दूसरी जो स्टेज है वो नॉन कोऑपरेशन की है यानी अब आप को नॉन कोऑपरेशन की तरफ लेके आते हैं लेकिन वो भी ऐसे नहीं आएंगे लोग उसके लिए भी कुछ टूल्स हैं कुछ टैक्टिक्स हैं जैसे सबसे बड़ा टूल जो है डिलेमा का टूल है अब ये बड़ी है इसके अंदर मैं उस नहीं जा सकता तफी हैटेंट है आप छोटे छोटे विंस हासिल करते हैं रिजीम के खिलाफ जो मार्केट करते हैं और इस तरीके से अवाम के अजहान में उनके कलूब में ये बात स्टेब्लिश होना शुरू होती है कि आप कुछ कर सकते हैं वरना आप सिर्फ लोगों को देखा जाएगी जी आप हमारे साथ निकलें हम चेंज लेके आएंगे तो फिर आप, आपके पीछे कोई भी नहीं चलेगा कोई ना कोई विनिंग रिकॉर्ड आपके पास होना जरूर चाहिए जैसे ईरान के उलमा थे उससे पहले कई ऐसी सक्सेसफुल मूवमेंट्स कर चुके थे तभी आवाम का उनके पर उनके ऊपर एतमाद था और जब उन्होंने इस्लाम की बात की और उसके लिए वो निकले तो अवाम ने भी साथ दिया तो अगर कोई ऐसी एंटिटी है जिसने पहले कोई काम किया ही नहीं है तो फिर लोग उसके साथ देने वाला नहीं है इस तरह अरविंद केजरीवाल जो है उसने पहले बड़ी सक्सेसफुल मूवमेंट की थी जो लॉन्च की थी जब डिस्प्यूट हो गया था एक लैंड का एक डैम की जमीन जो जो थी थी उसके ऊपर वो वो कुछ थी जिनको वो जो है करने का फैसला कर लिया था रजीम ने तो इसने बड़ी जबरदस्त से कैंपेन की थी और कामयाब कैंपेन की थी कि उनको फिर जो है आल्टरनेट लैंड मिला था तो एक तरह से लोगों के दिन में बात आ गई थी यार ही ही कैन डू समथिंग कैन डिलीवर समथिंग गांधी ने भी पहले ब्रिटिश uh, एम्पायर के खिलाफ जो है लोगों का बना था कि ये कुछ कर सकता है तो एनी यू uh, और फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है इंटरवेंशन जब आप जो है आवाम को खड़ा कर देते हैं रजीम के खिलाफ ये भी अब एक, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इसका इस्तेमाल होता है पोलिटिकल जिटसू अब ये बड़ी इसमें तफसी है तो कहना मैसेज है वसे कि बड़ा मतलब ऐसा टैक्टिकल वॉरफेयर का तरीका है जिसको आपको स्टडी करना है उसकी टैक्टिक्स को सीखना है समझना है तब भी आप कुछ तब्दीली लेके आ सकते हैं और उसके बाद अगर जहाँ पे आप इंकलाब बार करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर अगला मसला ये होता है कि फिर ये इंकलाब एक्सपोर्ट होता है ये अपनी बाउंड्रीज में महदूद नहीं रहता और यही हमें करना भी है हमें बाकायदा इसके लिए कोशिश भी करनी होगी इनशाला अगर हम कामयाब होते हैं तो उसको फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे दीगर मुस्लिम ममालिक के अंदर वहां पर भी फिर तब्दीलिया आएंगी ठीक है वहाँ पर भी इंकलाबाद बरपा होंगे और इस तरीके से मुसलमानों की जो जो एक, एक एक ग्लोबल है वो, वो शर्मिंदा तबीर हो सकता है तो ये ऐसा ऐसा जैसे जैसे, जैसे, जैसे ये जो है तब्दील तो होती रहेंगी जैसे अपने अरब स्प्रिंग में शुरू तो जाए से हुई एकदम वो फैली और पूरे अरब को अपने लपेट में ले लिया उसने लेकिन क्योंकि वहां पर एक स्ट्रॉ पार्टी एक स्ट्रॉर्गनाइजेशन उसको लीड नहीं कर रही थी इसलिए वो एक रिपेलियन की चक्कर इख्तियार करके रेवल्यूशन नहीं आ सकी लेकिन फैली देखें उसकी स्प्रेड हुआ इस तरीके से यहाँ पे भी स्प्रेड होगा उमर मुस्लिम स्प्रेड होगा इंशाल्लाह और पूरी दुनिया में फिर जो है मुस्लिम ममालिक हैं उनका तब्दीलियां रूना होंगी और इस तरीके से फिर उनका आपस में फिर एक बनेगा एक कॉन्फेडरेशन बनेगी या फिर फेडरेशन बनेगी जिसे हम फिर कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ उसे क्या नाम दे सकते हैं और उनका फिर एक हाकिम जो है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उनका एक प्रेसिडेंट होता है तो इस तरीके से एक खलीफा जो है वो बन सकेगा लेकिन इट हैज़ हैजू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर ये प्रोसेस जो है उसका आगाज कहीं ना कहीं से हो। जो हमें लेना पड़ेगा दीगर जो अख्तलाफा हैं दीगर जो मनाहिज हमारे पास राइज हैं उनसे अख्तलाफात क्या हैं उनकी बुनियादी क्या है, है वह देख लेते हैं वह पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्शन के जरिए करना ये हमारे यहाँ जो है बड़ी उम्मत उम्र की बड़ी जमातें जो है इसका इसकी कायल रही हैं लेकिन इसके अंदर बहुत से फिर आपको पता है कि इश्यूज हैं आ, असूरी जो है वो क्या है इलेक्शन के जरिए कभी भी, भी निजाम तब्दील तो नहीं होता तो इलेक्शन के जरिए से आप जो है इलेक्शन में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपसे भी ये बात कह रहे होते हैं कि हम निजाम को चलाने के लिए ज्यादा अहल हैं ये तो आप कहते ही नहीं कि हम निजाम तब्दील करना चाहते हैं निजाम तब्दील करने के लिए तो आपको रेवोल्यूशन रेवोलूशन करना करना होती तो एक तो ये बात सीधी सी बात है ठीक है अच्छा फिर यह है कि अक्सरियत कभी भी हक का साथ नहीं देती ये जो मामला है ना डेमोक्रेसी में कि अक्सरियत जो है ना उसके हाथ में फैसला साजी का हक है तो अक्सरियत तो कभी भी इस हक का साथ नहीं देती इस्लाम का मॉडल ये है ही नहीं कि अक्सरियत जो है उसके हाथ में फैसला देते और अगर आप इस पे लग जाएंगे तो एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगे हुए और तो भी वाजह कर दिया तो सब् अगर आप दुनिया में बसने वालों की ब, ब, बसने वाले अक्सरीत की पैरवी करेंगे तो, आप तो आपको आपको लाजमन गुमराह कर देंगे इन यद तबियना की पैरवी करते हैं इन बन और क्या सराइया करते हैं यानी अक्सरीत का हाल ही होता है कि वो कभी हाक का साथ रहने वाले नहीं हो तो इसमें अब अक्सरीत हम रलाया करेंगे तो कैसे तब्दीली रूना होगी तो एक तो ये मामला भी हमारे सामने है फिर अगर हम बिलफर्ज किसी तरीके से वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हक हाँ का साथ देकर दे जो है किसी ऐसी पार्टी को हुकूमत में आवाम लेके आ गई हम बाद जगह पे ऐसा हुआ कि जहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई हक हाँ का साथ वो दे रहे थे कोऑर्डिनेट था ही नहीं ठीक है जैसे खमान के साथ हुआ कि जब वो इलेक्शन के लिए खोला गया मामला तो फिर वही पोलिटिकल पार्टी की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थी उनको वोट मिल गया इसी तरीके से जजायर के अंदर हुआ इस्लामिकेशन फ्रंट एक बहुत बड़ी मौजूद थी पोलिटिकल कुत तो उनको वोट मिल गए लेकिन यह है कि जब वो मेजोरिटी लेकर आ गए तो फिर दो और जो स्ट्रोंग पिलर्स हैं वो तो इंटक्ट रहते हैं ना तो आपने तो दीदी कर भी दी इसमें तो एक स्टेट के जो तीन पिलर्स होते हैं जैसे आप लेजिस्टर कहते हैं जुडिशरी और फिर उसके बाद आपकी एस्टेब्लिशमेंट या आपकी इंतजामिया तो आप सिर्फ एक पिलर में लेके आते हैं और वो सबसे वीक पिलर है जिसके पास ही नहीं है पार्लियामेंट जो है वो कहने को तो सबसे टॉप पर बैठे सबसे टॉप पर है लेकिन उनके पास वो जो है ना कहते हैं ना पावर कम्स डाउन द बैरल ऑफ ए गन वो है ही नहीं आपके पास

इसको एक साइड एक्टिविटी तो जरूर किया जा सकता है ठीक है जी इलेक्शन में आप लोग हिसाब रहे जैसे कि जमा इस्लामी के तो कई रहनुमा है वो भी ये बात कहते हैं कि जी हम इससे थोड़ी है वहाँ पे जमा इस्लामी कह रहे हैं इसलिए थोड़ी इससे तब्दीली आ सकती तो है तब्दीली आ सकती है तब्दीली तो से ही आएगी कि कोई ना कोई तो होना चाहिए जो हक हाँ की बात पार्लियामेंट करता रहे हाँ इस हद तक ठीक है आप कर लें एक्टिविटी लेकिन यह है कि इससे कोई तब्दीली जो है वो न नहीं हो सकती हाँ अब जैसा कि मैंने बताया आपको लोग अरविंद केजरीवाल का मॉडल है कि आप दोनों टैक्टिक्स को जो है मर्ज करें तो उससे शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से लेकिन होगा तब्दील लेके आए तो ये असल में इन जो है ना इस महज का मामला है कि इससे इख्तलाफ है और फिर बायदाफ है तो तब्दील आ ही नहीं सकती लेकिन बाकायदाफ इन पार्टियों से हमारा ये है कि मतलब आप समझौता तो ना करें ना हर समझौते करते हैं, फिर आप करते हैं। तो ये वो गैर अखलाकी हते हैं जिनसे फिर आ, जो दीन का काम है वो बदनाम होता है तो ये चीज़ हमारा ये तो बायदाखतरा फिर जो तो है हमारी तरफ वो है जो फौजी बगावत के जरिए क्या खिलाफत के खवाहा हैं जैसे कि हमारे यहाँ एक जमात रही है अच्छा तो उन्होंने एक बात बड़ी गलत समझी है कि हिजरत के फौरन बाद वो, वो कहते हैं नहीं मदीना को मदीना जो है वो इस्लामी रियासत थी जो बन गई थी हिजरत के फौरन बाद तो हिजरत से पहले कोई जहाज नहीं उससे पहले सिर्फ जो है आपने दावत देनी है और तलब नुसरत करनी अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं वो तलब नुसरत थी ही नहीं वो तो बेसिकली हिजरत का एक आ, 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 मरहला था जो उस वक्त एक्टिवेट हो चुका था जब आप सलम की जान खतरे में थी पहले की तरफ आपने हिजरत की थी फिर बाद में जब आपकी जान के दर पर हो गए तो आपने फिर उस वक्त ये पूछना शुरू किया था कि कहाँ पे आपको पना मिल सकती है तो ये बेसिकली वो तलब नुसरत नहीं थी बल्कि वो एक ऐसी अमन की जगह पर हिजरत करने के लिए डिस्कशन हो रही थी आपकी दीगर कबाइल के साथ कि जहां पे आप हिजरत कर सकें और ट्रैक्टिकल रिट्रीट कर सकें देखिए अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट समझ लिया गया है कि ये कोई आपने तलब नुसरत के जरिए से जो है वहां पर हुतम की तो ये जो है फिर एक तो से भी एनालिसिस ठीक नहीं है कि उस उस जमाने का जो था uh, 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 उसमें जो भी एक स्ट्रक्चर मौजूद था वो तो ट्राइबल स्ट्रक्चर था उसको आज की जदीद रियासत से जो है कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं लेकिन स्टेट क्या होती है, होती है अब वहां तो डिफाइंड टेरिटरी कोई थी ही नहीं ठीक है पावर टू मेक एन एनफोर्स लॉ कंसेंट ऑफ एनी हायर अथॉरिटी एक इलाके में अंदर एक जो, एक जो, एक एक

मदीने के अंदर मुस्तानों के पास ये अथॉरिटी थोड़ी थी कि पूरे हिजाज के जो है फैसले कर सकते हैं पूरे हिजाज की जो है वो पॉलिसी तय कर सकते या वहाँ के वहाँ की लेजिस्लेशन तय कर सकते तो मुस्मानों को एक तमक़ मिला था एक छोटी सी जगह पे उसको रियासत कह देना ये बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है आ, फिर हम देखते हैं कि इसमें ये बात भी थी कि खुद मदीने के अंदर भी जो यहूदी आबाद थे उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल थी और इस वायदा में ये डिस्कशन मौजूद है कि वो चाहें तो आप उनके पास आए चाहे ना आए अपने फैसले खुद ही अपने मर्जी से करवा लें कौन सी ऐसी रियासत है कि इजाजत दे सकती है कि जी अपने नीचे एक एक जो है ना फैक्शन है सोसाइटी का उससे कहा आप मर्ज़ी से अपने फैसले करते रहे तो वहाँ पे वो सही मानों में अभी अथॉरिटी कायम ही नहीं हुई थी बल्कि अभी मुनाफी के बारे में भी तय नहीं था कि जो विलली अपने ऊपर अहकाम नाफज नहीं करवाना चाहते उनके ऊपर जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती थी ठीक है तो मतलब इसलिए उसको स्टेट कहना ये वैसे भी अगर हकीकत देखे हकीकत के हाले से देखा जाए तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं है पंजाब का फाको तो मायना था वहां पर अच्छा फिर दूसरी बात यह है कि ये नतीजा खस्त कर लेना खिलाफत या इस्लामी रियासत कायम करने से पहले जहाद नहीं है ये वैसे ही गलत है क्योंकि ये तो आप सीरत के जरिए से जो है वो अहकाम हज नहीं कर सकते सीरत के अंदर जो वाक़ हुए हैं आ, उससे तो आप मैथडोलॉजी तो खज कर सकते हैं लेकिन ये किसी भी हुक्म को आप मनसूख नहीं कर सकते हुक्म को मनसूख करने के लिए कुरान सनत का फैसला चाहिए होता है तो यहाँ पे अल्लाह का वादे है का ताला फितना। उनसे किताल करो तला के बाद फितना खत्म ना हो जाए उस वक्त तक किताब जारी रहेगा यानी कुफर का फितना खत्म जाए जाए। ना हो और दिन हो उस वक्त तक किताब जारी रहेगा यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी नहीं बताई गई कि जनाब जब मुसलमानों को मुसलमानों की रियासत कायम होगी तभी जहाद होगा उससे पहले कोई जहाज नहीं है ये जो अब इल्लत इसे कहते हैं ना कि प्री कंडीशन किसी भी हुक्म की वो अज खुद घर लेना ये बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है फिर सीरत मे बिल्कुल नुसरा के नाम से कोई काम उद्दीन के लिए एक नया मरला जो है वो कोई रिस्ट नहीं करता साइब कूवत से नुसरत तलब करें यानी ये तो वैसी बात गलत है अल्लाह की नुसरत हमने तलब जरूर करनी है साहिब कुवत की नुसरत हमने कोई कोई जो है हमने तलब नहीं करनी और ये वैसे भी एक लॉजिकल बात है कि जो रजीम को के रखवाले हैं वो कैसे आपको नुसरत दे देंगे अगर वो अगर अगर उनमें से कुछ लोग तदबीर भी हो जाते हैं तो वो खुद अपनी हुकूमत देकर आएंगे आपको वो जो है सोने की चिड़िया जो है इस तरीके से हाथ नहीं देगा कोई भी तो खैर ये अख्तलाफा है जो लोग इसके कायल हैं ये भी मन दुरुस्त नहीं है इससे भी कोई तब्दीली तो आने का कोई इम्कान नहीं है क्योंकि ये भी एक बेकार वसीला है जिसके ऊपर अच्छा इस तरह के दिगर मनाहज हैं और उनसे बसूरीबा फौजी बगावत के खिलाफ का एक नजरिया है तो वो भी हमने बता दिया कि ये तो बिल्कुल भी जो है सही नहीं है जो भी बात हम हमने दिए हैं अभी उससे मजीद भी कुछ हम दराइल देख सकते हैं कि जैसे अहल क़ुत ईमान की अजमाश के बैगर हिजबुल्लाह में शामिल हो भी जाए तो ऐसी जमात के लिए अल्लाह की नुसरत का वादा नहीं है नहीं। अगर आपको नुसरत मिल भी जाएगी इनकी तो अल्लाह की नुसरत का वादा नहीं है क्योंकि अभी जो तो इन्होंने वो सब कुछ झीला ही नहीं है ठीक है इनकी तो ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं हुई है अगर आपके साथ कोई ऐसा जर्नैल आ जाता है कोई फौजी आ जाता है कोई ब्रिगेडियर आ जाता है तो उसकी तो उस तरह तरबियत नहीं हुई है तो इसलिए वो अगर आपके साथ शामिल हो भी जाते हैं तो तब कम अज कम अल्लाह की नुसरत आपको नहीं मिलेगी उसके लिए रसूल वही है कि आप प्योर ईमान वाले हों तमाम जो लोग हैं उस रोशनी पार्टी में वो इस प्रोसेस से गुजरे मसल तब जाके फिर पता चलता है कि इनमें से मुखल कौन है और कौन गैर मुखिलस है जो बगैर किसी इम्तहान के आपके साथ शामिल हो गया और उसको आप हायस्ट रैंक दे देंगे तो फिर तो जारी बात है वो फिर आप ही के खिलाफ हो गया ही हुआ यानी इससे पहले अखवान ने भी रहा किया जो है जमाल अहमद नासिफ़ी उन्हीं के खिलाफ हो गया उन्हीं की पढ़ाई की उसने इस तरीके से जो हमारे जो के भाई हैं। उनको मामला कि उन्हीं से जो है ज्यादा जो है मुश्किल का सामना करना पड़ा कि जो जिनकी वो नुस तलब कर रहे थे अच्छा अब इसमें दूसरी बात यह कि फौजी बगावत के बाद भी अगर हम चलो ले ही आते हैं फौजी बगावत कर लेते हैं तब भी ब्यूरोसी और दीगर इदारे तो अब यहाँ मौजूद है ना तो वो तो तब्दील नहीं होंगे जैसे जवल जब आ गए थे तो उसके बाद भी वो तब्दीली तो नहीं ला सकेगी उनकी नीयत तो थी तो ये सब चीजें जो हैं ये भी हमारे सामने आनी चाहिए जमेज तबलीग और इंफादी के जरिए तो आपको बताया एक अब बात है और एक सुर नूर की आयत नंबर फिफ्टी फाइव से जो है अक्सर दिन पड़ जाती है अल्लाह तला का वादा है, उन लोगों से जो ईमान लगे उन सारे करें ला ला लाजम उनको खिलाफ अतः करेगा कमस्तल कम नहीं जैसे पहले लोगों को खिलाफ अत की थी तो अल्लाह ने वाजे कर दिया कि देखो जैसे पहले लोगों को खिलाफ मिली थी वैसे खिलाफ मिलेगी। थी पहले लोग कौन थे वो बनी सईल है बनी सील को अल्लाह तला ने खिलाफ अदा की थी जहाद के जरिए से और यहाँ से जहाज निकल, निकल कैसे गया ये जो बात अक्सर यहाँ पे की जाती है इन जमातों की तरफ से उसमें यह जरूरत कैसे हुई इनको कि अमले साले से जहाद को निकाल दें हालांकि जहाद तो ना सिर्फ अमले सवाले है बल्कि कई अमारे सवाले का जामे है कुरान इस पे शाहिद है ठीक है तो और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया रसुब को भी कि आप आपको ये काम करना होगा जब आपसे बड़ा दाई कोई नहीं पैदा हो सकता मुरवी कोई नहीं पैदा हो सकता जब आपको भी तलवार उठाना पड़ी तो हमें भी जारी बात उठाना पड़ेगी बगैर तलवार उठाए बगैर टक्कर लिए तो कोई तब्दीली दुनिया में रुजमा नहीं होती तो वैसे भी एक ऐसी बात है कि जो समझ आने वाली नहीं है अच्छा फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो असरी तनाजीम में जो कहते हैं कि हम कुरिलाएंगे वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उसके उस, उस मरज में, में क्या खराबी है क्या मसाइल है ठीक है तो और इसमें ये बात ने समझानी चाहिए मैं यक्तुल मुतामिदन हारिदन फीहा तो जिसने भी मोमिन को, को जानबू कतल कर दिया तो फिर उसके जन्हम है हमेशा वहाँ रहेगा अल्लाह का गजल है उसके ऊपर अल्लाह की लानत है उसके ऊपर और इसके लिए दर्दनाक अदाबी ने अजीम तरीन वो मुक्र कर रखा है तो यानी इतनी सख्त इसमें वही आई है कि बाज फिर अः इस पर इससे कायल थे कि एक ऐसा शख्स जो जानबूझे किसी मुसलमान में कतल करते उसकी बखिश नहीं हो सकती ठीक है यानी बखिश अब हो ही नहीं सकती वो कि जमूर का कोल यही है कि हो जाती है अगर तबाह कर ली लेकिन यह है कि बाज जो है सुहाबा उनकी एक उनकी राय थी तो ये बहुत मामला बड़ा गंभीर है कि हम यहाँ पर जब ऐसा करेंगे तो बहुत सी मुसलमानों की जाने जो है खतरे में पड़ने का खतरा है इसलिए भी गुरिल्ला जंग जो है वो मुसलमान इलाके में करना ये खतरे से खाली नहीं है लेकिन दूसरे फिर उसके जो मसायल हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए ठीक है जी अच्छा इस तरीके से यानी ये तस्वुर भी अगर किसी जमात के अंदर है जो अमीर है हर किस्म के मुआसरे से मुबरा है और उसकी खास कोई सेंटी कायम हो गई है तो ये भी दुरुस्त बात नहीं है ठीक है ये तो हक सिर्फ एक नबी के पास हो सकता है कि वो ये कहकर जी मेरा मैं हर किस्म के मुआसरे से मुबारा हो गया तो ऐसी आ, आ, अगर कोई जमात है तो उस वो भी दुरुस्त मनज पे नहीं है खुलफरादीन तक कोई हक हासिल नहीं था कि वो ऐसी बात करें और इनकलाब जो है तो जो उदरत का है जिसमें एक से जायद नस्लों की मेहनत दरकार है ये सब कुछ एक शख्स के जैसे मुनासिब भी नहीं है ऐसा नहीं हो सकता कि एक जमात का अमीर ये खुद कहे कि मेरा मैं मेरा मुआव नहीं किया जा सकता और आपको जैसे जैसे तैसे चलना है, जो है वो चलें तो ऐसी बात करना जो है वैसे ही गलत बात है तो जो भी अगर ऐसी किसी जमात के अंदर है मामला तो वो भी दुरुस्त बात नहीं तो ये ये सारे जो है दीगर हमारे खिलाफ उसको हमारे समझना चाहिए तो अब हम जो है कुछ क्वेश्चन लेते हैं शुक्रिया मुदसर भाई सब हाजरीन से गुजारिश है कि अपना अपने हैंड रेस करें जिनको सवाल रेस करना है या हमें आप तो अपने सवाल लिख के भी दे सकते हैं चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे तो हम उनको ले सकते हैं तो सबसे पहले मकबूल साहब साहब ने हैंड रेस किया उनसे कि माइक को अनम्यूट करेंकुम वरह वाले वरह अच्छा सर मैं ये सोच रहा था कि आप ने जो एक निज़ाम दिया और दस हिजरी के करीब आप का विसाल हुआ और उसके बाद तीस साल के अंदर एक निज़ाम चार खुलफा राशिदीन हो गए उसके बाद हज़रत अली जो चौथे खलीफा थे और छः माह हज़रत इमाम हसन के ख़िलाफ़ ये लगभग अप्रोक्सीमेटली तीस साल बनते हैं ये एक निज़ाम जो आपसलम ने दिया जो गैर मुसलों का मतलब अभी भी बहुत सारी चीज़ों में या तहरीरों में हम ये चीज वो इस चीज़ का एतराज़ करते हैं कि इतना स्ट्रॉग निज़ाम था तो तीस साल में यानी कि कैसे ये ख़त्म हो गया एक चीज़ उनका एतराज ये है दूसरी चीज ये है कि फिर खिलाफत और मलुकियत आ गई यानी कि एक वो फिर बाकी तो मामला फिर करबला वो एक और चीज़ में यानी कि चली गई दूसरी चीज़ ये है सर इतना मतलब निज़ाम जो दिया आपने ये बात तो मानने से तो समझ में नहीं आती कि एक सहाबा कराम इस बेहतरीन अल्लाह ताला की बेहतरीन उम्मत है ना यानी कि हमसे तो बहुत नहीं करोड़ हम तो उनके पैरों के खाक के बराबर भी नहीं है तो आवाज आवाज रही है सबको तो? नहीं आवाज नहीं आ रही है मकबूल साहब आपकी आवाज मुनकता हो गई है

चलो तो में कोई और क्वेश्चन ले रहे हैं तो फिर उनका क्वेश्चन ले लेते हैं आते हैं तो जी जी एस शहजाद साहब ने हैंड रेस किया है उनसे गुजारिश है कि अपनी माइक को अनम्यूट कर सकते हैं असलकम वरहल वर्कूल अच्छा मुदसर भाई आपने जो बताया कि जो सिविल रेजिटेंस है और दूसरी डिफरेंट किस्म की कि आपने स्ट्रेटीज बताई तो इसमें क्या जिस तरह आज कल एक डेमोक्रेसी और इस तरह का जो सिस्टम है तो सिविल रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है या डिफरेंट अगर आप पैरामीटर्स में काम करते हैं कि सिविल रेजिस्टेंस भी उसका पार्ट है और एज ए स्ट्रेटराइज करते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू भी जो है आप उसमें शामिल हो और सिविल रेजिस्टेंस को भी फॉलो करें और जो अवेयरनेस है वो भी दूसरे तरीके से मतलब डिफरेंट एंगल से काम करें और फिर कलेक्टिवली जो है वो सिस्टम को हिट करें या जो भी एक ऑब्जेक्टिव है उस पर जाए तो उस सिचुएशन में क्या पॉलिटिकली फॉर द टाइम बिंग सिस्टम में जो भी एक सिस्टम है डेमोक्रेटिक है जो भी है उसमें शामिल हुआ जा सकता है और कोशिश की जा सकती है उसकी रीज़न ये है कि जो मैंने सुना कि अर्दगान जो था वो शुरू में बहुत कोशिश करता था लेकिन क्योंकि इस्लामिक लेवल लगाया हुआ था तो वो ऊपर नहीं आ पा रहा था तो उसने फिर उसको जो है थोड़ा मॉडरेट वे में जो है वो शुगर कोटेड किया और फिर मेयर से वो आगे बढ़ता बढ़ता आ गया और फिर उसका जब आ गया तो फिर

लेकिन यह है कि इसमें एक फिर बारूल हमें तय करना होगा ना कि फिर वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कोई ऐसे उल्टे सीधे समझौते नहीं करेगी ये नहीं है कि किसी ऐसी पार्टी के साथ डील हो रही है कि जो पार्टी है कभी जो है वो पद के जो आमिर है उनसे वो डील हो रही है तो ये चीजें फिर जो है वो इसको छोड़ना होगा एक असूली मौका के साथ खड़ा होना होगा तो इस तरह किया जाता है तो जरा पता है इफेक्टिव हो सकती है स्ट्रेटेजी के यानी इसमें फिर बहुत सी कबाहतें हैं अपनी जगह पर कि जब डेमोक्रेटिक तो प्रोसेस में जब आप आते हैं तो फिर आप एक पार्टी बन जाते हैं तो आपकी वो फिर हैसियत नहीं रहती जो एक दाई की हैसियत होती है फिर आपको लोग कंसिडर करते हैं कि आप किसी आपका कोई एजेंडा है जैसे मौलाना रहमान है अब जो भी है अब उनका एक पोलिटिकल एजेंडा है तो हर पार्टी उनको एक, एक एक, हरीफ पार्टी के तौर तो पर देखती है तो ये अपनी जगह पे उसके उसके चैलेंजेस हैं लेकिन इसको टे, टेक्टिकली अप्रोच किया जाए तो ये भी एक स्ट्रेटी हो सकती है आ, लेकिन इसमें फिर असूर असूर कभी भी नहीं होगी ये असूल तय हो यह ना होना फिर क्या आप पॉलिटिक्स में जो गंदे हथकंडे होते हैं वो भी आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर क्या फर्क रहेगा आपका दीगर जमातों का तो इससे प्रहेज करना होगा हर लिहाज से अपनी अखलाकी है हर सतह पर बरकरार रखनी होगी चाहे फिर वोट मिलते हैं नहीं मिलते चाहे सीटें मिलती हैं नहीं मिलती लेकिन यह है कि आप अपना फर्ज अदा करें और जो स्ट्रगल है उसको आगे बढ़ाएं तो ये मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रेटजी जो है उसको डिप्लॉय किया जा सकता खासतौर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स में हम बात कर रहे हैं दीगो जो ममालिक हैं जिस तरह हिंदुस्तान है या और नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं या ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन गैर इस्लामी है वहां पर ये बाबरा मोहल्ला वाला डिबेटेबल है में तो इसका, फायदा है। इसका मतलब ये नीयत सही होनी चाहिए ऐसा नहीं कि जब विन करके आ गया इलेक्शन में तो फिर उसके बाद जो कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दिया नहीं, तो ये तो नामुमकिन है कि विन हो सके लेकिन कम से कम यह है कि आपको कोई बंदा अगर पहुंच जाता है पार्लियामेंट में तो ठीक है जैसे आपने कोई बिल पेश करने हैं कोई रिफॉर्म्स के तो कम से कम आपका बंदा होगा तो इजीली आप पेश कर सकते हैं तो उसके पीछे फिर एक मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं जैसे केजरीवाल का था एं, एंटी करप्शन मूवमेंट उसने खड़ी की थी ना तो आप वो इलेक्शन में जब पहुंच गया तो वहां पे उसके लिए मुमकिन हो सका कि उसको पेश कर सके उस बिल को वैसे तो कोई पार्टी पेश नहीं करती थी उसको इस तरीके से वहां पे कुछ लोग पहुंच जाते हैं तो फायदा है आपको नेशनल असम्बली में या आपकी फोर असम्बली में पहुंच जाते हैं लेकिन ये कि उससे यह तब्दीली होने वाली नहीं उसको आप ये भूल जाए इतदार मिल जाएगा ये है कि कुछ लोग आपके वहां पहुंच जाएंगे जो हक बात कह लेंगे बस तक ये असल फोकस होना चाहिए सिविल रिस्टर्स के ऊपर तो ये उन पार्टीज को खासतौर तो पर हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जो इलेक्शन के अंदर ही बस लगी हुई है कि कम से कम ये वो अब तो समझ जाए कि अब उनको इतनी नाकामियां हुई हैं तो अब तो उनको समझ आ जानी चाहिए इससे कुछ तब्दीली रुनमानी होने वाली

तो इस तरीके को समझना समझना होगा उमत मुस्लिम को और सही तरीके से डिप्लॉय करना होगा और इसके जरिए से हम एक तब्दीली तब्दीली रुनमा कर सकते हैं जहाँ पे गुलब वॉरफेयर फीजेबल है वहां पे गुलब वॉरफेयर को सही तरीके से उम्म को सीखना होगा टैक्टिकली डिप्लॉय करना होगा जहाँ पे सिविल अर्सेंस मुमकिन है वहाँ सिविल करना होगा मैंने आपको दोनों कंपेर बता दी किन इलाकों में वो फीजबल है किन इलाकों में ये फीजिबल है ये दो ही टेक्निक्स हैं इनको सही तरीके से डिप्लॉय करके तभी हम कुछ तब्दीली ले जा सकते हैं जजाक अल्लाह भाई तो यहाँ नमाज का टाइम है दस मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, हैं। मकबूल साहब जो है उनकी भी बात कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह तो दस मिनट के लिए हम एक ब्रेक लेते हैं आपसे जी मकबूल साहब आपका सवाल था सर वो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा था मेरा सवाल सर ये था एक निज़ाम आप सल्हुस ने दिया आप के दस हिजरी के करीब इस साल हो रहा है उसके बाद तीस साल जो है आप की हदीसी मुबारक के मफूम के मुताबिक मेरे बाद खिलाफा जो है मेरे तर्ज अमल पर तीस साल रहेगी उसके बाद ज़ालिमलूकत और बादशाहत आ जाएगी अगर वो तीस साल हो गया और वो इमाम हसन के ज़माने तक पूरे हो गए वो छह महीने खिलाफत रास्ते में काउंट होकर वो पूरे हो जाते हैं ठीक है लेकिन ये इतराज़ मैं इसलिए मतलब गैर मुस्लिम हम लोगों पर करते हैं कि आपके पैगम्बर इतना बड़ा एक सतश गजवा जिसमें हैं और एक पूरा निज़ाम और एक मुनजम जमात देकर जा रहे हैं दस हिजरी में विशाल हो रहा है चालीस हिजरी तक यानी यानि खलीफा खुलाफ, खुलाफ, खुल, राशद यानी कि खिलाफत जो है उनकी पूरी हो रही है और उसके बाद इकसठ हिजरी जस्ट आफ्टर यानी कि आप देख लें इक्कीस साल बाद करबला का वाक़ हो रहा है उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो सारे यानी कि जो निज़ाम था उसके बाद हमें वो चीज़ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में नजर आती है वही इलाफत राश्ता वाले जो हैं सारे आते हैं तो ये सारा सर जो निज़ाम था हालांकि सर इकसठ हिजरी और चालीस हिजरी और दस हिजरी ये वो दौर था जिसमें सहाबा की एक बड़ी जमात मतलब एक अच्छे खासा मुनम तौर पर मौजूद थी जिनको पता था कि ये क्या मामला है और निज़ाम क्या है उस एरिए से लेकर सर आज तक एक हमें वसत के लिहाज से तो हमने देखा मोहम्मद बिन कासिम भी सिंध फता करके मुल्तान हिंदुस्तान पता करके यहाँ तक आ गए सारा कुछ हो गया वसत के लिहाज से इस्लाम फैला लेकिन निजाम के मतलब निजाम के हिसाब से नहीं फैला इस्लाम ठीक है वो निज़ाम जो था वो निरा लेकिन लेकिन वसत के एरिया वाइज मुसलमानों ने रोमन अम्पायर से भी टकराए पर्शियन अम्पायर से भी टकराए सारा कुछ हुआ एक चीज दूसरी चीज ये सर आजकल के दौर में अब हमने इमाम मेहदी इस्लाम का भी हमने रिवायत में हमें मतलब मिलता है कि वो आएंगे तो एक मुसलमानों की एक जमात जो है उनका फौरन इनकार कर देगी एक जो है उनके सपोर्ट करेगी और एक जो है शहीद हो जाएंगी और एक जो है वो गाजी बन जाएंगे ये तीन जमातें जो है इनके बारे में बताया गया तो जो इमाम मेदी इस्लाम आएंगे अगर हम निज़ाम की बात करते हैं तो क्या वो जो निज़ाम होगा डेफिनेटली इमाम मेहदी इस्लाम जो निज़ाम लाएंगे वो तो ऑलरेडी यानी कि होगा ना कि प्रॉपर तो आजकल तो हमें नहीं समझ आ रही ना कि मतलब क्योंकि अब हम जब वो हदीसे मुबारक पढ़ते हैं कि आप आपकी हदीस है कि बहत्तर तो फिरकों वाली तिहत्तर तो फिरकों वाली उसमें हमें ये चीज़ समझ आती है कि आप फरमाते हैं कि जो मेरा और मेरे सहाबा का तर्ज अमल होगा तो आज के दौर में तो ये बात ही नहीं की जाती हर हर बंदा कहता है कि मैं हकवर हूँ ठीक है एक चीज ये और लास्ट चीज सर ये कि आप सिविल रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें एक जो करंट वार स्नेरियो है ना सर वो पहले जैसा नहीं रहा अभी मीडिया वार का एक बहुत ज्यादा अमल दखल है इस चीज में ठीक है सर मीडिया अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना देख और किसी को कुछ बना दे और जो भी एक इमेज लेकर दिखाए पूरी दुनिया उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर जाती है कि यार ये मतलब है इंतहा पसंद है ये शिदत पसंद है ये एटसेट्रा या जो भी है तो काइंडली ये जरा मुझे समझा दीजिए देखिए जहाँ तक मसला हादसे का है जो तारीख इस्लाम में हुआ वो है कर सकता है लेकिन देखिए फिर भी ये इस्लामी जो सिविलाइजेशन थी उसकी स्ट्रेंथ थी कि वो इस हादसे को सह गई उसके बाद बाद भी हम देखते हैं कि इस्लाम किसी न किसी सूरत में मेंब रहा उन्नीसवीं सदी तक यानी किसी हद तक हम कह सकते हैं कि बीसवीं सदी के अवाल तक सिंब, सिंबल तो मौजूद था खिलाफत का तो यानी देखिए ये एक मामूली बात नहीं है हाँ आइडियल नहीं रहा निज़ाम तो आइडियल दुनिया में बहुत कम ही रहता है निजाम यहाँ पे तो तवजीरत रूनमा होते रहते हैं तो म भाई ये लोग है, तो ये दिन है लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं तो यानी हाँ ये बात तो सही है कि खिलाफ रास्ता नहीं रही थी लेकिन ऐसी भी बात नहीं थी कि बिल्कुल इस्लामी के अहकमास बार नाफि थे जो हाइस्ट पोलिटिकल सजा पर जो फैसले होते थे वो कानून सुनत के मुताबिक ही होते थे और फिर बात है कि एक सोसाइटी मौजूद थी इस्लामी असूलों के ऊपर जो कायम हुई थी वो भी तब्दील नहीं हुआ मामला तो ये है कि हाँ वक्त के साथ साथ उसमें कमी आती रही गिरावट होती रही हुसैन के खड़ा हो जाना बस ये तो वाजह कर गया ना कि इस्लाम ये नहीं है ठीक है इस्लाम के अंदर यही है कि मलूक कितना हो तो इसलिए जब ये इतराज करते भी हैं गैर मुस्लिम तो उनको हुसैन की मिसाल पेश की जाती है कि देखें आप ये ना कहें कि उसे इंडोर्स कर दिया था उम्मत ने उम्मत ने उसको इंडोर्स नहीं किया था उम्मत उसके खिलाफ खड़ी खड़ी होती रही और नवासे रसूल जब खड़े हो गए तो ये वाजे हो गया कि जो है ये बात सही नहीं है लेकिन बाद पहुंच जाते हैं कुछ भी नहीं थी तो ऐसी बात नहीं है बहल वो भी एक मुसलमान मुसलमानों की इस्लामी हाँ वो लग बात है कि उससे हम ालमाना कह सकते हैं फासक फासिक कह सकते हैं लेकिन यह कहना की वो गैर इस्लामी हुकूमत थी यह दुरुस्त नहीं गैर इस्लामी उस वक्त हुई जब अल्लाह के अहकाम नाफिस ना नाफिस होना बंद हो गए उसके अंदर जैसे कि आज हमारा मामला है तो एक तो ये हमारे जहन में रहना चाहिए और ये दुनिया में देखें वाक्य के अंदर आइडियल कोई भी चीज़ नहीं आती है ठीक है बारह यहाँ पे तुम्हारा होते हैं और हर सिविलाईजेशन के साथ ये मामला है ये सिर्फ इस्लाम की इस्लामिक सिविलाईजेशन के साथ मामला नहीं जो दुनिया की बड़ी सिविलाइजेशन रही हैं जब एजेंटेन एम्पायर को देखें तो उसके अंदर भी उतार चढ़ाव आए हैं बहुत बहुत कई दफ़ा उनके उन, उनके तख्ते उल्टे हैं और अनस्टेबिलिटी रही है फिर बाद में दोबारा स्टेबिलिटी होती रही तो यार ये सिलसिला चलता रहता है बल्कि अगर आप कंपेरिटिवली देखें तो इस्लाम की रही बात सिविल रेजिटेंस केजस्टेंटि है और, और ना कि मीडिया के जरिए से मसला बल्कि मीडिया के जरिए से तो यह कहा जा रहा है अब जो एनालिस है लेटेस्ट वो ये है कि अब तो मीडिया की ताकत कम हुई है अब इमेजिन करें कि सोशल मीडिया जब नहीं था तो आपके पास तो फिर कोई जरिए नहीं था जो हुकूमत बताती थी वही लोग सुनते थे अब सोशल मीडिया कहने के तो के के आने बाद तो सिविल जो हैं, वो बढ़ गए हैं और ये जो है पहले कहा जाता था कि ऑफ द पॉपुलेशन अगर आप किसी सोसाइटी में मोबालाइज करने में कामयाब रहते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं सिविल डिस्टेंस के लेकिन अब क्योंकि ये जो सिविल जो सोशल मीडिया आ गया हमारे पास जिसके अंदर आपके अल्टरनेट सोर्सेज हैं कि आप हक हक की हाँ रसाई हासिल कर सकते हैं तो अब आपके पास ये रूल इससे कम हो गया सकते हैं तो आप सोसाइटी में तब्दीली रूना कर सकते हैं तो अब तो यानी एक तरह से देखा जाए तो मीडिया का रोल कम हुआ है रिजीम की जो ताकत है उसमें कमी वाकई हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सप्लोजन के बाद तो वाक में जब हम देखेंगे बहुत से रास्ता है इंसान जो रास्ता है रास्ता निकाल ही विल नहीं रही असल में उम्मत मुस्लिम में विल कोई नहीं वही अंगूर खट्टे हैं तो, तो सब हर कोई बंदा कहेगा लेकिन बहर जो है अगर अंगूर तोड़ने हैं तो मुश्किल तो होगी यानी इसलिए एफर्ट जारी रहनी चाहिए और ये बड़े बड़े अम्बिया जो है उनकी एफर्ट्स जो है जब उनका रिजल्ट नहीं निकल सका तो अगर हमारा रिजल्ट नहीं निकलेगा तो इससे कोई बैद नहीं है ऐसा मामला नहीं है कि हमें दिल बताए, दिल बताए हो जाना चाहिए इस्लामी वो इस मिशन में एक तरह से दुनिया में कामयाबी नहीं देखे, नहीं देखे। नहीं वो दुनिया में हसरत देखे गए अर्ज मुक, मुकदस जो उनके लिए लिख दी गई थी वो वहां पर नहीं जा सके और वहां पर फतेह जो है उसको अपनी आंखों से नहीं देख सके तो so, uh, हम तो हम किस uh, वो जो है ना हमारा क्या मुकाम है लेकिन हमें स्ट्रगल जारी रखनी है और इन को देखते रहना है और इन से नमर दजमा होने की टैक्टिक्स हमने डिप्लॉय करते ये हमें काम जी। तो मकबूल साहब साहब का हो गया क्वेश्चन जी जी उनका क्वेश्चन तो हो गया क्वेश्चन <coughs> अगर नहीं है तो प्रेण 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 लेते। और किसी भाई का अगर कोई क्वेश्चन है तो हम ऑन बोर्ड ले सकते हैं वरना सबसे गुजारिश ये है कि आप कोई वगैरह हल करते रहें और अपनी असाइनमेंट भी हमें भेजते रहें ताकि जो ना कोर्स का बाकायदा वो हो सके ताकि रिजल्ट हम बना सकें और उसके अलावा अपनी हाजिरी का रिकॉर्ड भी दुरुस्त करते चलें तो इंशाल्लाह हमारे दो सेशंस ही रह गए दो के तीन सेशन रहते हैं तो इसलिए कोशिश करें कि जो बैकलॉग है उसे निकालें और कोई और असाइनमेंट जरूर जमा करें ठीक है ठीक है सुबह अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं चलिए अल्लाह ताला जो है आप सब लोगों का यहाँ पर बैठना और इसको समझना इस अहम मौजू को कबूल फरमाए और आगे बढ़ना है आप लोगों ने अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये एक करने का काम है जिम्मेदारी है तो फिर आगे बढ़ें और ज्वाइन करें इस एफर्ट को और उस वाले से आपको मेरी बात है हम अगर आप हमारे साथ, हमारे साथ हैं तो मेरी बात है हम तो गाइड करने के लिए अवेलेबल है इनशाला अभी इस सेशन के बाद आपका रमजान में तो इनशाला हमारा प्रोग्राम होगा कि रमजान के अंदर दौरा कुरान का ही एक प्रोग्राम होगा इनशाला उस पर फोकस रहे फोकस रखें अः रमजान के फौरन बाद फिर एक बुटकें भी हम शुरू करेंगे जिसमें फिर वो लोग कि जो आप पास आउट हो गए हैं समझ गए हैं इस बात को और आगे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनको फिर आप कैसे आगे इनेबल करना है कि वो इस हवाले से एक्टिविस्ट बन सके तो इनशाला उसमें भी इनशाला आप सब लोग हमारे साथ रहेंगे तो असल बात यह है कि अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करें जरूर किया अगर आपको मालूम हो गया कि इसके बगैर निजात नहीं है और अब आपको मनज भी वाज हो गया तो अगला स्टेप यह है कि आगे बढ़े और इसका हक अदा करने की जो स्ट्रगल है उसका आगाज करें तो आप सब लोगों को इस वाले से आगे बढ़ना चाहिए ठीक है कहाँ इश्खलात हैं वो आप डिस्कस करें जब भी इश्काल पैदा होता है डिस्कस करें ताकि हम उनको रफा कर सकें उन मुश्किल को और फिर आगे बढ़ें आ, बाद, बाद इश्लात जो हम उसके साथ साथ दूर होते जाते हैं लेकिन असल बात यह कि स्ट्रगल का हिस्सा जरूर बने क्योंकि इसके बगैर निजात नहीं है कोई उक्रवी नजात नहीं है, है। खासतौर पर अब जबकि दीन मखलूब है तो उस वक्त तो अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे और अपनी नमाज रोज़ा करते रहेंगे तो फिर यह है कि हमारी नजात का कोई मामला नहीं हो सकता कोई सूरत नहीं निकल सकती ये अजर कुरान हम बात कर रहे हैं और इस पर पूरा पूरे कुरान का बयानिया खड़ा है इसके पीछे कोई मामूली बात नहीं इसको जैसे मैं इन शह तो नेक्स्ट वीक फिर हम बात करेंगे बाखर दामान अलहमदिल्लाबीम असलम रसूल वाली वसाबी अजमीन रहमत